हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं आलू गोभी की सब्ज़ी, जो कि नॉर्मली सभी घरों में बनती है और सर्दी के मौसम में तो गोभी बहुत ही ज़्यादा मिलती है मार्केट में। तो दोस्तों इसको हम एक नए तरीके से बना रहे हैं, जैसे कि आपको ढाबों में ये मिलती है। इसमें हम दही का यूज़ करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इसका बढ़िया टेस्ट आता है और सभी को ये पसंद आएगा आपके घरों में। तो चलिए दोस्तों इसको आज बना लेते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल मेकदम में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए। तो इसके लिए दोस्तों हमने देखिए गोभी काट के रख ली है और उसी के साथ आलू भी हमने काट दिए हैं और पानी में अच्छी जगह से भिगो के रख लिया है, जिससे कि आलू हमारे काले ना पड़े। उसके बाद हमने टमाटर काट के रख लिए हैं, दो हमने हरी मिर्च काटी है और देखिए दही को हमने अच्छे से फेंट के रख लिया है। देखिए बिल्कुल स्मूथ फेंट के रखा है हमने दही को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब। तो इसके लिए दोस्तों हमको सबसे पहले जो आलू है हमारे उसको हमको फ्राई करना है और बहुत ही अच्छे से पका लेना है, जिससे कि बाद में हमको इसको पकाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हम इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए आप, जिससे कि इसमें थोड़ा नमक भी आ जाता है आलू में और बहुत ही अच्छे से ये पक भी जाते हैं बहुत ही जल्दी से। तो अच्छे से इसको चलाते रहिए दोस्तों। देख सकते हैं आप थोड़ी देर बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से हमारे जो आलू है वो फ्राई हो गए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारी आलू फ्राई होने, ये देख सकते हैं हमने इसको काट के भी देख लिया, आलू हमारे अंदर तक पक चुके हैं। तो इसको आप साइड में निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसमें फ्राई करेंगे गोभी, और गोभी को हमको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ी देर इसको फ्राई करके हम निकाल लेंगे, क्योंकि गोभी जो है थोड़ी कच्ची कच्ची जो रहती है उसी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, जैसे कि आपने ढाबों में खाया होगा या जो पार्टियों में मिलता है उसमें भी बहुत ही अच्छे से इसी तरीके से वो सब्ज़ी को बनाते हैं। तो अच्छे से फ्राई कर लीजिए आप गोभी को, और बहुत ही इसका क्रंची एक स्वाद आता है जब आप इसको बाद में सब्ज़ी में खाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पकती नहीं है और आप नॉर्मल जब सब्ज़ी पानी डाल के पकाते हैं तो गोभी बिल्कुल गल जाती है और ज़्यादा अच्छा टेस्ट उसका नहीं आता है। तो अच्छे से इसको मिला लीजिए आपस में। उसके बाद इसमें डाल लीजिए हल्दी। हल्दी से क्या होगा, एक तो कलर इसका बहुत अच्छा लगेगा और स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है, बाद में सफ़ेद सफ़ेद सा नहीं रहेगा। तो चलिए बहुत ही अच्छे से इसको फ्राई कर लीजिए आप। तो देखिए गोभी हमारी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रही है। तो फ्राई करने में आपको 1 से 2 मिनट तक इसको लगेंगे, ज़्यादा फ्राई इसको नहीं करना है। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है और गोभी भी हमारी फ्राई हो चुकी है। तो चलिए इसका आप मसाला तैयार करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डाल लें जीरा और जीरे को चटकने देंगे। तो देखिए जीरा हमने डाल लिया है, इसके करेंगे चटकने का इंतजार। जीरा हमारा चटक चुका है, उसके बाद डालेंगे इसमें लाल सूखी मिर्च, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। उसके बाद ये दोनों अच्छे से भुन जाएं। तो दोस्तों अब इसमें डाल रहे हैं हम टमाटर और इसको अच्छे से इसमें मिला लीजिए, और साथ में हमने डाल लिए जो हमने काट के हरी मिर्च रखी हुई थी, और इसको अच्छे से हमको गलाना है टमाटरों को। तो दोस्तों जब आप टमाटर इसमें डालते हैं और इसमें नमक तुरंत आप डाल लीजिए थोड़ा सा, जिससे कि टमाटर हमारे बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, और अच्छे से इसको मिला लीजिए। तो चलिए दोस्तों इसमें अब मसाले डाल लेते हैं। तो इसमें हम 3 छोटी चम्मच धनिया का यूज़ कर रहे हैं, धनिया पाउडर इसमें हमने डाल लिया है। 1 छोटी चम्मच हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, उसके बाद लाल देगी मिर्च केवल कलर के लिए, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा किचन किंग का मसाला। इतने ही मसाले हम इसमें डाल रहे हैं जो कि नॉर्मली घरों में मिलते हैं, और अच्छे से इसको मिला लीजिए। अब दोस्तों आपको भूनना बहुत ही अच्छे से है मसालों को, तो अच्छे से चलाते रहिए इसको। तो मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से भून रहे हैं। अब इसमें डाल लेते हैं नमक। देखिए हमने नमक सब्जी में भी डाला था, इसलिए थोड़ा सा हम नमक अभी थोड़ा सा डाल लेते हैं, बाद में टेस्ट करके हम बाद में नमक इसमें स्वाद अनुसार बढ़ा सकते हैं।
थोड़ा सा इसमें पानी डालिए और मसालों की भुनाई करिए बहुत ही बढ़िया से। स्वाद देखिए, अगर आपके मसाले बहुत ही अच्छे से भुने होंगे तो स्वाद बहुत ही अच्छा आता है सब्जी में। तो देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल हमारे गल चुके हैं जो हमारे मसालों के साथ, और तेल छोड़ना शुरू कर दिया मसालों ने। दोस्तों अगर मसाले तेल छोड़ देते हैं इसका मतलब हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें अब डाल लेते हैं दही, और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल आप लो कर दीजिए, नहीं तो दही फट जाएगी आपकी। तो दही हमने मिला लिए इसमें और अच्छे से इसको चला लीजिए। देखिए इस समय फ्लेम हमारी बिल्कुल लो है, और थोड़ी देर इसको लो रख के ही इसको दही को हमको पकाना है इसके मसालों के साथ, और पानी का यूज़ में बिल्कुल भी अब नहीं होगा यूज़। तो देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे से हमने तो दही है हमारी मसालों के साथ पकानी है अब। इसके बाद आप मीडियम कर लीजिए जो आपकी फ्लेम है। तो देख सकते हैं तेल कितने अच्छे से ऊपर से आ गया है, इसका मतलब हमारे जो मसाले हैं बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। ये देख सकते हैं आप साइड साइड में तेल। तो दोस्तों मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और दही भी हमारी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है मसालों के साथ। तो चलाते रहिए आप। तो दोस्तों तैयार है हमारा जो मसाला है हमको, अब इसमें मिला लेते हैं हम जो हमने सबसे पहले आलू फ्राई करे थे, और देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से फ्राई करे थे, पूरे अंदर तक ये पक चुके हैं। तो इसमें डाल लीजिए अब जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे। तो देखिए मसाला बिल्कुल तैयार है, अब इसमें डाल लेते हैं आलू। और इसको अच्छे से हमको करना है इसके साथ मिक्स। देखिए इसके बाद सब्जी ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगाएगी आपकी, तो इसी तरीके से आपको ढाबे में सब्जी मिलती है, देखिए इसी तरीके से वो यूज़ करते हैं दही का। तो अब इसमें डाल दिए जो हमने फ्राई करके गोभी रखी हुई थी, और इसको अब मिलाना है हमको बहुत ही अच्छे से, जिससे हर तरह से मसाला पूरी सब्जी में मिल जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया कलर इसका आया है, और हमने इसमें ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं करी है सब्जी बनाने में, और स्वाद इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। जो कि नॉर्मली सब्जी बनती है घर में उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका स्वाद आएगा। और आप इसमें लहसुन अदरक का भी प्रयोग कर सकते हैं, आज हमने उसका यूज़ नहीं करा है। तो अच्छे से मिला लीजिए सारे मसालों को। और दोस्तों इसमें रख देते हैं अब लिड, और इसको थोड़ी देर भाप में पकने देते हैं। तो देखिए थोड़ी देर बाद कितने अच्छे से जो दही है हमारी का मसाला जो हमने बनाया था दही का, कितना अच्छे से पक रहा है इसके साथ। और दोस्तों आपको तब तक इसको पकाना है जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, जो मसाला है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं दिखना चाहिए हमको। फिर से लग देते हैं लिड, और देख सकते हैं बिल्कुल मसाला देखिए साइड में आपको दिख नहीं रहा है, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है सारा। तो देख सकते हैं जब नीचे बिल्कुल भी पानी ना रह जाए इसमें, तो मतलब हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। और देखिए बिल्कुल अलग अलग देखिए सारे पीस, कोई सा भी पीस गल के एक साथ मिक्स नहीं हो रहा है। इसके बाद इसमें डाल देते हैं हम हरा धनिया, इससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा खुशबू आती है और स्वाद भी बढ़ जाता है हमारी सब्जी का। तो दोस्तों बनकर तैयार है हमारी आलू गोभी की सब्जी, जिसको हमने दही के साथ बनाया है बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। तो अब आप भी इसको अपने घरों में ट्राई कर सकते हैं, और हमको बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ अपने चैनल मेक द फूड में, और दोस्तों हमारे चैनल मेक द फूड को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आई बटन में हमारी और भी रेसिपीज़ आ रही हैं, वहाँ जाके भी आप हमारी रेसिपीज़ दे सकते हैं, और एंड स्क्रीन पे भी रेसिपी आएंगी, वहाँ पे भी आप जाके उनको देख सकते हैं। और इंस्टा और फेसबुक के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, वहाँ से भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं हमें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ बहुत ही जल्द आप सभी के चैनल मेक द फूड में। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।